14 के बाद के नरेंद्र मोदी को आप कैसे देखते हैं? गुजरात के नरेंद्र मोदी से वो डिफरेंट हैं या वो वही नरेंद्र मोदी? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो सवाल हम उठा रहे हैं ये चुनावी राजनीति से उठकर है, नंबर वन। नंबर दो, मैंने जो सोचा था उस पुस्तक लिखने के बाद या मोदी जी से जो अच्छा गहरा संवाद हुआ 2014 से पहले, तो मुझे ये लगता था कि एक वेल विशर के रूप में जब मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे तो हम उसकी सराहना करेंगे, जी खोल के करेंगे, क्योंकि इनके दुश्मन तो चुप बैठने वाले हैं नहीं। परंतु जब कोई बात सही नहीं होगी तो किसी भी नेता को फीडबैक चाहिए होता है, और हम उन लोगों में से होंगे क्योंकि हमें कुछ आपसे चाहिए नहीं, निष्पक्ष आपको फीडबैक दें जो आपके लिए भी भली है, धर्म और देश के लिए भी भली है। ये रोल मैंने तो अपने लिए चाहा था, एंड आई एम श्योर आपने भी कुछ ऐसी ही उम्मीद की होगी अपने से। मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था, मोदी के आसपास उनकी दरबार में शामिल नहीं होना था। आई न्यू दैट फ्रॉम वेरी डे वन, बिकॉज मैं किसी भी दरबार में फिट हो ही नहीं सकती, इसलिए दूर रहती हूँ। और संदीप भैया, जो आज मैं बातें या कल के प्रोग्राम में कही, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, इनमें से हर एक बात और इससे भी ज्यादा डिटेल में मैं फीडबैक पब्लिकली और प्राइवेटली देती रही हूँ मोदी जी को, चाहे ट्विटर के माध्यम से या आर्टिकल्स के माध्यम से, या किसी जमाने में फोन पे भी बात कर ली या भेज दिया मैसेज या जाके मिल भी लिए। ऐसा नहीं कभी भी हुआ कि सडनली चुनाव आए हैं तो एकाएक हम चाहते हैं कि मोदी जी को बस्त कर दिया जाए। 2014 से तुरंत बाद, जैसा मैंने कल भी बताया था, जिस दिन इन्होंने अपना कैबिनेट ही अनाउंस किया, मुझे जो चीजें अटपटी लगी मैंने उस दिन ही कह दी थी, और वो एक वेलविशर के रूप में कही थी। उसके साथ साथ मोदी जी को सपोर्ट भी करते रहे क्योंकि इनको गालियां पड़नी तो बंद हुई नहीं थी। और दूसरी ओर मैं ये भी बहुत स्पष्ट कर दूं कि अगर मोदी जी की हम आलोचना कुछ बातों पे कर रहे हैं तो ये तो मेरा बिल्कुल भी रवैया नहीं है कि मैं किसी और को जाके वोट कर दूं। मेरे हाथ से नोटा भले ही दब जाए पर मैं किसी और पार्टी को वोट कर दूं, इस वक्त कोई भी नहीं है इस लायक कि हम उस पे विश्वास कर दें। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, कोई भी अच्छा नेता अगर उसको उसके शुभ चिंतक के रूप में लोग उसको फीडबैक नहीं देते कोर्स करेक्शन के लिए, तो वो पगला जाना उसका निहित है। अब बहुत से लोग अब आते अपनी बातों पे ना, आप खुद ही जानते हैं कि एक तरफ मोदी जी को फासिस्ट फासिस्ट कहा जाता है, दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष है इस वक्त मोदी जी से ये कह के नाराज है कि ये महात्मा गांधी मार्क टू बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तुष्टीकरण महात्मा गांधी ने किया, महात्मा भी कहना उनको तो आज दुखता है क्योंकि कोई महाआत्मा वाली बात तो की नहीं, दुष्ट आत्मा वाली बहुत बातें कर गए गांधी जी। पर एक बात में ये बहुत फर्क है, एमके गांधी की एक खासियत थी कि उन्होंने जो भी किया उनकी उनका पूरा जीवन एक खुली पुस्तक थी। वो चाहे उनके सेक्स एक्सपेरिमेंट्स हो अपनी ग्रैंड डॉटर्स के साथ, अपनी नीसेस के साथ, अपनी जो भी उन्होंने किया तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स, या इस्लामी तुष्टीकरण किया, हिंदुओं को ये पाठ पढ़ाया कि तुम्हें जेल लेना चाहिए, वो मारने आते हैं तो राम का नाम लेके मरने को तैयार हो जाओ, स्त्रियां अगर वो बलात्कार करने आते हैं तो बलात्कार करने को तैयार हो जाओ, रिजिस्ट भी ना करो। तो गांधी जो खुल के करते थे, एक एक चीज लिखते थे, बोलते थे, तो उनके खुद के राइटिंग्स में ही इतना कुछ है कि हिज लाइफ इज एंड वॉज एंड देयरफॉर इज अवेलेबल टू अस एज एन ओपन बुक। लेकिन मोदी जी का सारा जीवन इतने पर्दों के पीछे है, इनके इनका खुला जीवन कभी भी नहीं रहा। और
आज के युग में, सोशल मीडिया के युग में आप देखेंगे कि आज ना सही कल ना सही, बहुत पर्दे खुलने वाले हैं, बहुत राज खुलने वाले हैं। इतने इनके जीवन के राज हैं, इनकी डीलिंग्स क्या करते थे, किसके साथ क्या रिश्ता था। यू नो ही इज नॉट एन ओपन पर्सन, ही इज नॉट लाइक M.K. गांधी। और इसलिए भी लोगों की तैयारी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने खुल के कभी बात नहीं की, इसके साथ ये बात, उसके साथ वो बात। तो इसलिए भी हिंदू जो है, हिंदू पक्ष सकते में है, शॉक में है, ट्रोमा में है। और ये बातें मोदी जी को शायद ज्यादा महंगी पड़ेंगी। इनकी जो सीक्रेट लाइफ है, इनके ऊपर बड़े पर्दे पड़े हुए हैं। पब्लिक फेस में एक बात है, इसके साथ एक बात है, अंदर कुछ और चल रहा है। इनके रिश्तों के बारे में, चाहे वो कॉरपोरेट्स के साथ हो या निजी रिश्ते हो, वगैरह वगैरह। अब हम बात कर रहे थे जो अक्षम्य अपराध है, और ये मैं आज नहीं, मैं बहुत ट्विटर पे खुलेआम कह चुकी हूँ मोदी जी को 5-6 बार, मोदी जी, नरेंद्र भाई, ये तो आपका अक्षम्य या अनफॉरगिवेबल एक्ट है, क्राइम है। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि मोदी जी की वजह से हम सारे हिंदू समाज को इतना अपमान झेलना पड़ा है, हम सब फासिस्ट करार किए गए। और दुख की बात यह है, मेरा तो खून तिलमिला उठता था जब गुजराती हिंदुओं को भी फासिस्ट कहा जाता था, ब्लड हाउंड्स कहा जाता था। तो इसीलिए तो मैंने वो अध्ययन किया। और मैंने आपको ये भी बताऊं, एक किताब पब्लिश की, इतना मटेरियल था कि मेरे पास 2 और पुस्तकों का मटेरियल था, पर मेरा मन इतना उदास हो गया कि मैंने बाकी वो छोड़ ही दिया। फिर कभी शायद उस मटेरियल का इस्तेमाल हो जाए। तो मोदी जी को लोगों ने फासिस्ट कहा तो मेरा खून उबल गया कि फासिस्ट वाली तो कोई बात ही नहीं, उल्टा है ये तो, उनको इतने उदार दिली से अपना बना रहे हैं, ये सोच के तो मैंने वो पुस्तक लिखी थी। परंतु मोदी जी, मुझे एक बताइए बात, इतनी भद्दी गाली है ये, अगर मुझे कोई गधा कह दे, बेवकूफ कह दे, मूर्ख कह दे, मैं सुन लूं, मैं बिल्कुल झेल लूं, लेकिन फासिस्ट किसी को कहना, ये कोई छोटी मोटी गाली नहीं है। और अगर कोई सही में आत्मसम्मान जिसका हो, और वो उसका सेल्फ व्यू नहीं है, उसके एक्शंस नहीं है, तो वो व्यक्ति जरूर ऐसे लोगों को चैलेंज करे, उन पे डेफामेशन सूट करे, क्योंकि ये पूरे हिंदू समाज पे ये कलंक जा रहा है मोदी जी की वजह से। ये केवल मोदी जी बदनाम नहीं हो रहे, भारत बदनाम होता है और हिंदू समाज विशेषकर होता है। और आपको याद होगा अमेरिका में जैसे डिसमेंटलिंग हिंदुत्व करके, फासिस्ट हिंदुत्व करके, इलीट यूनिवर्सिटीज, लीडिंग यूनिवर्सिटीज ने एक कॉन्फ्रेंस की थी। एक सिर्फ एक मात्र उदाहरण दे रही हूँ, उसके दर्जनों और दिए जा सकते हैं। अभी कायदे से उस वक्त भी बहुत लोगों ने, और मैंने भी कहा कि भारत सरकार को इन सारी यूनिवर्सिटीज को डेफामेशन के लिए अमेरिका के कोर्ट्स में सू करना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। मैं होती तो मैं अवश्य यह करती कि भारत सरकार ये काम उठाती कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे देश को, हमारे हिंदू समाज को इस तरह बदनाम करो। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं। हम छाती पीटते रह गए कि ये मत होने दीजिए, क्योंकि वहाँ जो हमारे हिंदू बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका में, उनका क्या हाल होता है, या इंग्लैंड में, या यूरोप की अन्य यूनिवर्सिटीज में, वो इतने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से मरे जा रहे हैं। और इसीलिए बहुत से लेफ्ट के खेमे में, इस्लाम के खेमे में चले जाते हैं कि यू नो कम से कम रिस्पेक्टेबल तो लगेंगे। मेरे घर के बच्चे भी, जो हमारे नेफ्यूज नीसेस हैं जो बाहर गए हैं, वो आके मुझे पूछते हैं, बुआ व्हाई डू सपोर्ट दिस फासिस्ट मोदी, और व्हाई डू टर्न्ड प्रो फासिज्म, इस तरह के सवाल मुझसे भी पूछे जाते हैं। और उनको डर लगता है, कुछ एक तो ऐसे भी हैं कि अरे इनके साथ नाम जुड़ गया तो हम भी बदनाम हो जाएंगे, हमारा यूनिवर्सिटीज में
हमारा यूनिवर्सिटी में या जॉब मार्केट में हमारा क्या होगा, इतना इनसिक्योर हिंदू बच्चों को कर दिया गया है। और बीजेपी और आरएसएस के परिवारों के बच्चे मैं कई मिली हूँ जो विदेशों में पढ़ रहे, वहां जाके वो किसी को बताते नहीं कि मैं बीजेपी परिवार से हूँ, मैं आरएसएस परिवार से हूँ। वहां जाके वो ही आग उगलते हैं जो उनको रिस्पेक्टेबल होने का एहसास दे। तो आप धकेल रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी को उस खेमे में टू बिकम सेल्फ मेकिंग हिंदूज। टू माई माइंड दिस इज एन अनफॉरगिवेबल क्राइम। अगर इन्होंने जो अमेरिकन क्यूरिकुलम में, हिंदुस्तान के क्यूरिकुलम में भाजपा को, मोदी को, हिंदुओं को फासिस्ट कह के बदनाम किया गया, अगर 10-15 ऐसे ऑथर्स को ये कोर्ट में ले जाते डेफोमेशन के लिए, सिद्ध कीजिए। जैसे राम मंदिर पे हम जीते क्योंकि ट्रूथ इज ऑन आवर साइड, तो मुझे लगता है कि इन सब की जबानें कतरी जाती। हो क्या रहा है उल्टा, हो क्या रहा है उल्टा, और वो भी अनफॉरगिवेबल है कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो आपके तथाकथित ग्लोबल स्टैचर को, आप तो विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु को वो ऐसे अपमानित करते हैं, जलील करते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है आपके नाम से घबराती या कतराती है, या बीजेपी के नाम से नफरत करने लगती है, या हिंदू होने पे नफरत करने लगती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज, मैं होती तो मैं अमेरिका को ये डिक्लेयर कर देती कि अगर आप अपना कोर्स क्यूरिकुलम नहीं बदलते, हम किसी इंडियन को जो आपके यहाँ पढ़ के आएगा, यहाँ एक चपड़ासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। We will issue very firm instructions कि किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी मीडिया हाउस में, हार्वर्ड, कोलंबिया, पास, ये जो है सारे जो डेफोमेशन में लगते हैं, हम इनको नौकरी नहीं देंगे, चपड़ासी की भी नहीं देंगे। अगर भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया होता कि अगर आपका क्यूरिकुलम नहीं बदलता और आपका रवैया नहीं बदलता, तो हम आपके बच्चों को, इनके तो वीजा भी नहीं हम वापस आने देंगे, रखिए इनको वहीं से बैठ के गाली दिलवाई, हम देश में नहीं आने देंगे, क्यों नहीं हम करेंगे। इतना ज्यादा हमारे धर्म और देश के साथ इन्होंने अन्याय करवाया। यही नहीं, अब एविडेंस के बाद, एविडेंस के साथ राजीव मल्होत्रा ने स्नेक्स इन द गंगा बुक सिर्फ लिखी नहीं, भाजपा आरएसएस के लीडर्स को दे के आए, पर्सनली मिल के आए, दर्जनों प्रोग्राम किए, और कुछ नहीं, आप उनके यूट्यूब पे, अगर आप किताब पढ़ते नहीं है, यूट्यूब पे ही दसियों नहीं 85 लेक्चर्स हैं राजीव मल्होत्रा के, और एविडेंस के साथ उन्होंने वो लिखा कि ब्रेकिंग अप इंडिया फोर्सेस जो है, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस अब आगे कितना बढ़ चुके हैं। आप उल्टा क्या करते हैं, वो वार्निंग लेने के बजाय राजीव मल्होत्रा से उसको एक सलाहकार के रूप में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में एडवाइजर के रूप में इस्तेमाल करने की बजाय आप क्या करते हैं, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग हार्वर्ड के कैंपसेस यहाँ खोलने शुरू कर देते हैं ताकि मास प्रोडक्शन और बढ़ जाए, यहाँ बैठ के हमारे सॉइल पे, वो हमारे घर में आके, आप कहते हैं हम घर, मोदी घर में घुस के मारता है, अरे आप घर में घुस के आपके मुंह पे थूक रहे हैं, हिंदुओं के मुंह पे थूक रहे हैं और कालिक पोत रहे हैं, और आपको, आपका दिल दुखता ही नहीं है, मैं क्या मानूं आप किस मिट्टी के बने हैं। और मेरी दृष्टि में ये देश और धर्म के प्रति अक्षम्य अपराध है, इतना बदनाम करवाना और इन कैंपसेस को यहाँ आने देना, ये बहुत ही बहुत दुखदायी बात है। सवाल यह सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है, क्योंकि बहुत से और काम मोदी जी ने किए हैं, ये हिंदू मुस्लिम का सवाल सिर्फ होता। और अगर संदीप भैया, मैं कहती, मान लीजिए इन्होंने मुसलमानों के प्रति, ईसाइयों के प्रति, जो हमें दिन रात गाली देते हैं, सब कुछ करके उनके ऊपर जी जान लुटा के, अगर और कुछ नहीं, एक गुडविल पैदा कर ली होती अपने प्रति और इस देश के प्रति, मैं कहती हूँ चलो सब माफ है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस देश के प्रति तो कम से कम गुडविल पैदा वो नहीं हुई, बल्कि बड़ी है। इतनी इल विल पब्लिकली खुल के कभी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी।
तो इसका मतलब आप देश के दुश्मनों को नर्चर कर रहे हैं। और एक मायने में मुझे लगता है कि ये जो इनकी ACYPL की जो ट्रेनिंग है, जो CIA आउटफिट है, बहुत जल्दी हैंड पिक करता है प्रॉमिसिंग यंग लोगों को, फिर उनको ले जाते हैं ट्रेनिंग करने। और मोदी जी में तो बहुत टैलेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो इनको बहुत जल्दी पिकअप किया राम मंदिर मूवमेंट के दौरान, हिंदू रिसर्जेंस। अब तो स्पष्ट होता जा रहा है कि जो CIA के आउटफिट्स हैं, उन्होंने कई किस्म के लोग, वो बहुत स्मार्ट है, वो एक किस्म का व्यक्ति लेके एक ही घोड़े पे वो सारी अपनी बैटिंग नहीं करते, वो दसियों दसियों घोड़े दौड़ाते हैं। और उन घोड़ों में मोदी जी भी हैं, और ये जो ग्लोबल माफिया है इसलिए इनके साथ घनिष्ठ संबंध भी है। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि दो किस्म की ताकतें तैयार की हैं ग्लोबल फोर्सेस ने। वो एक तरफ जो CIA का जो ऑपरेशन है, कि एक तरफ मोदी जैसे लोगों को ला के उनका विभत्स चेहरा पेश करो दुनिया के आगे, मतलब सारी ऑपोजिशन को लगा दो उनके पीछे, सारे मीडिया को लगा दो, सारी यूनिवर्सिटीज को लगा दो कि BJP RSS ये तो फासिस्ट है। हालांकि फासिज्म का इनको स्पेलिंग भी नहीं आता। काश इनके पास वो गुर्दा होता कि फासिस्ट बन के ही दिखा देते, तो डंडा भी नहीं चला सकते। मुझे नहीं लगते, सच में दब्बू है और डर जाते हैं। तो फासिस्ट होना कोई छोटी मोटी खतरे की चीज नहीं है, तो एक तरफ मोदी जैसे लोगों को खड़ा किया अपना ट्रेनिंग देके, और फिर दूसरी तरफ वो पार्टीज को कि ये तो फासिस्ट है, हिंदुत्व तो बिल्कुल माइनॉरिटीज को क्रश कर देना चाहता है, हिंदू राष्ट्र का मतलब ही माइनॉरिटीज का हनन है, डेसिमेशन है, मास स्लॉटर। अरे यहाँ हम मक्खी नहीं मार पाते, मच्छर नहीं मार पाते, हमें कॉकरोच मारना हिंदुओं को आता नहीं है, उससे भी दहल जाते हैं, यहाँ हम फासिस्ट कहलाए जा रहे हैं। तो दोनों गेम्स खिलवाई जा रही हैं ताकि हिंदू शब्द ही पर्यायवाची बन जाए फासिज्म का, और बहुत ही विभत्स बातों का। एक तरफ इस्लाम के चेहरे को लीपा पोती की जाती है कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, आइसिस तालिबान वगैरह वगैरह इनके लश्कर-ए-तौबा के डिफेंडर्स हजारों मिल जाएंगे, एक नहीं मिलता हमें डिफेंडर जो हिंदू धर्म को, हिंदू समाज इतिहास को लेके खड़ा हो जाए कि बात क्या करें, जैसे विल ड्यूरेंट ने किसी जमाने में की थी। आज नहीं मिलता अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। तो ये मोदी जी, ये जो इसका रोल रहा है मोदी जी का, ही इज प्लेइंग एज हार्मफुल अ गेम एज अ केजरीवाल और अ राहुल गांधी। ये एक ही कॉइन के दोनों पहलू हैं। हिंदू समाज को सब मिलके डिफेम कर रहे हैं और हमारा चरित्र हनन कर रहे हैं, हमारी सिविलाइजेशन को दोनों तरफ जैसे क्रश करना चाहते हैं। तो हमने जो सोचा था, इन पे उम्मीदें लगाई थी और जी जान से लोग इनके पीछे चले थे। मैं संदीप भैया, मैं किसी जमाने में जब इनको अटैक होते थे तो मैं मेरे दिल से मैं कहती थी, नरेंद्र भाई तुम्हें मेरी भी उम्र लगे। मैं, ये मेरी प्रेयर होती थी जब मैं 2 मिनट सुबह अपनी प्रेयर करती थी, उसमें होती थी नरेंद्र भाई मेरी भी उम्र तुम्हें लगे। इस किस्म की हमने उम्मीदें जिस व्यक्ति पे लगाई हो, और फिर हम देखें कर क्या रहे हैं। स्लॉटर होता है हिंदुओं का तालिबान स्टाइल, ISI स्टाइल। ये पहली बार हुआ 1947 के बाद, पार्टीशन में तो हुआ सो हुआ, फिर कश्मीर में हिंदुओं का हुआ तालिबान स्टाइल स्लॉटर। उसके बाद आज तो मेन स्ट्रीम इंडिया में, दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में, हार्टलैंड में कला रेत के हत्याएं हो रही हैं, बोटी बोटी काट के हत्याएं हो रही हैं। एक शब्द नहीं कभी मोदी जी के मुंह से निकला। जब जिस देश का प्रधानमंत्री अपने को हिंदू हृदय सम्राट कहने के साथ साथ या उसके बावजूद एक शब्द नहीं सहानुभूति का या कंडमनेशन का करता,
और सैकड़ों की संख्या में मारे गए लोग, विशेषकर ब्राह्मण, विशेषकर तथा कथित अपकास्ट, जिनके खिलाफ इन्होंने इतना जहर फैलाया है। कास्टिस्ट पॉलिटिक्स की सबसे निम्न स्तर अगर हमने देखी है मंडल के बाद, बाबा अंबेडकर से भी कड़वाहट किसी ने फैलाई है। और एक तरफ बनते हैं जनेऊधारी भी और वो तिलकधारी भी और मंदिरों की नौटंकी भी, और दूसरी तरफ हिंदू समाज को बांटना जो इनके प्रति आरोप था, डिवाइडर इन चीफ। तो डिवाइडर इन चीफ तो बनी गए हिंदू समाज को तोड़ने के लिए। फिर पहले ही हम ग्रस्त थे रिजर्वेशन पॉलिसी से, बैकवर्ड, एमबीसी, ओबीसी, ईबीसी, इन्होंने और कैटेगरीज ऐड कर दी। फिर मुस्लिम्स में भी कैटेगरीज ऐड करके और रिजर्वेशन कर लिया। तो सवाल ये है कि मुसलमान या क्रिश्चियंस तो इनके झांसे में आते नहीं, हम हिंदू ही मूर्ख बन जाते हैं, हम हिंदू ही इनको अपने को काटे दे जा रहे हैं। और जब ये चुप रहते हैं, जब कमलेश तिवारी का बर्बरता से गला रेता जाए, पालघर साधुओं की सीसीटीवी कैमराज में कैप्चर हो, बेचारे निहत्थे कुछ ने, एक शब्द नहीं निकला, ट्रायल नहीं हो पाई, अननोन व्यक्तियों के नाम पे एफआईआर लिखी जाती है, केस चलता ही नहीं, कैसे माफ कर दें?